हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल एंड मी। मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जेड प्लांट के ऊपर, कि जेड प्लांट जो है वो कितना ज़्यादा शुभ होता है घर में लगाना, और इसकी केयर आप कैसे कर सकते हो, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है हमारे घर में लगा जेड प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हेल्दी है, और हम इसको बॉन्जाई बनाएंगे। आप देख सकते हो इसकी जितनी भी ब्रांच है वो हमने कट नहीं करी है, बाद में इसकी कटिंग होगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको प्रॉपर धूप में रखना है, आपको इसको छाया में नहीं रखना है। ये शेड में नहीं रहता ये प्लांट, ये प्रॉपर धूप में रहने वाला प्लांट है, सन लविंग प्लांट है। और दूसरा आपको क्या करना है, जितनी भी इसमें जैसे येलो पत्ती, इसमें तो कोई भी पत्तियां येलो नहीं हुई है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसकी बहुत न्यू जो लीव्स हैं इसकी आ रही हैं, और जो ब्रांचेस हैं इसकी वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको धूप में रखना है प्रॉपर, और पानी आपको, आप देख सकते हो इसमें जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसमें देख सकते हो आप, ये पूरी मिट्टी सूख गई है। अब हम इसमें पानी देंगे प्रॉपर तरीके से, हम इसमें पानी देंगे, पानी इस तरीके से हम इसमें पानी देंगे। ये देख सकते हो आप, हमने इसमें पानी डाल दिया है, अच्छे से हम इसमें पानी दे देंगे ताकि ये धूप में हमारा प्लांट ख़राब ना हो, क्योंकि आजकल सर्दियों की धूप है जो बहुत तेज़ आती है। तो आपको इसमें प्रॉपर पानी देना है, ऐसे नहीं करना है कि आप इसमें ज़रा सा पानी डाल रहे हो। देखो, हमने इसको प्रॉपर पानी दे दिया है, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने इसको पानी दे दिया है। और ये बहुत ज़्यादा लकी प्लांट होता है, ये आपके घर में ग्रो हो रहा है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये लकी प्लांट होता है। आप इसे अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हो, ये गिफ्ट करने वाला बेस्ट प्लांट है क्रेसुला और ये जेड प्लांट। ये क्रेसुला जो प्लांट हमारा, उसी की वेराइटी है ये जेड प्लांट भी, और इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हो अपने घर में। हमने बहुत सारे जेड प्लांट बनाए, वो मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और एक ही प्लांट से हमने ये बहुत सारे जेड प्लांट बनाए। और अगर आप इसे नर्सरी से खरीदोगे तो 250 से कम ये प्लांट आपको नहीं मिलता, जबकि आप इसे बहुत सारे एक बार में आप अपने घर में इसे लगा सकते हैं। इसकी बस ब्रांच आपको कट करनी है और आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हो। दूसरा, इसमें अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप इसमें चाय की पत्ती जो होती है, तो अगर आप फ्रेश इसमें डालते हो, एक होती है जो आपने मतलब जो वेस्टेज होती है चाय पत्ती जो आपने चाय बना ली है, बट अगर आप इसमें फ्रेश चाय पत्ती डालते हो तो वो इसके लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।